श्री रामचरितमानस विवाद यूपी में थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर विवादित बयान देकर घिरे समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। इसके साथ ही मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने के अंदाज में उन साधु संतों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की जिन्होंने उनकी जीभ नाक सर और गला काटने के लिए इनाम की घोषणा की थी। स्वामी ने तंज कसते हुए कहा है कि मैंने तो सिर्फ रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी। मैंने तो ये बात संवैधानिक दायरे में रहकर की थी। मेरे खिलाफ FIR इसलिए दर्ज कराई गई है क्योंकि मैं पिछड़ा हूँ, जबकि मेरे अंग काटने की सुपारी देने वाले साधु संतों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दो ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख पर निशाना साधा। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, मानस की आपत्तिजनक कुछ छपाइयों को संशोधित व प्रतिबंधित करने की मांग को कुछ लोग श्रीराम हिंदू धर्म और रामचरितमानस से जोड़कर मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही लोग महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों के 97% आबादी के सम्मान के विरोधी हैं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप चुनाव के समय इन्हीं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहते हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बताई, तो आखिर इन्हें नीच, अधर्म, प्रताड़ित, अपमानित करने वाले रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने हेतु पहल क्यों नहीं।